नमस्कार, आप देख रहे हैं बरेली की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ अभियंता हुए लामबंद, सरकार ने बात ना सुनी तो जाएंगे हड़ताल पर। महिला की आंख फोड़ दी गई। बरेली के बैढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक विधवा महिला के साथ रेप करने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। दरअसल महिला बीती रात शौच के लिए गई थी, तभी दो लोगों ने महिला के साथ रेप करने का प्रयास किया। जब आरोपी सफल नहीं हुए तो महिला से मारपीट करके उसकी एक आंख फोड़ दी। पहली अक्टूबर से चलेगा दस्तक अभियान। अभियान में जुड़े सभी विभागों के साथ विकास भवन में हुई बैठक में बनाई गई रणनीति। आशा कार्यकर्ता लोगों को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे रोगों से बचने के लिए करेगी जागरूक। बिजली लाइन ठीक कर रहे लाइनमैनों पर मधुमक्खियों का हमला। रिठौरा में 33 केवीए की बिजली लाइन ठीक कर रहे लाइनमैनों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। दुर्घटना में 4 लाइनमैन घायल हो गए। आरटीओ कार्यालय के बाहर ध्वस्त किए गए दलालों के अड्डे। बरेली आरटीओ कार्यालय में हड़कंप सा मच गया। देर शाम संभागीय परिवहन अधिकारियों ने मीटिंग कर दलालों पर एक बड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया। फैसले के बाद आरटीओ कार्यालय के बाहर लग रहे दलालों के अड्डों को ध्वस्त करा दिया गया। कोर्ट मैरिज के बाद युवती ने पति के संग वायरल किया वीडियो। पत्नी बोली, मेरे पति को परिवार वालों से है जान का खतरा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद परिवार वालों ने रिश्ते की हामी भर दी है।